हाय, मैं हूँ तनीषा मुखर्जी और आप मुझे देख रहे हो बॉलीवुड क्रॉनिकल्स पे। स्टैम्प इज अ ट्री प्लांटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट मोर ज़रूरी इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो एन एनजीओ जो इंसान को नेचर के साथ कनेक्ट करता है और इंसान को ये समझने को देता है कि नेचर कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम विद स्टैम्प, टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, इंक्रीज आवर ग्रीन कवर, healthy air, healthy food, healthy trees all around us. That's what we want for our children. And I think ये बहुत ही ज़रूरी है आज के वातावरण में और समय में। I think लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा वो बैकसीट ले लिया है क्योंकि वो अपने सेहत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये पता चल रहा है कि उनका खुद का सेहत नेचर के साथ इतना कनेक्टेड है। तो अगर हमारा वातावरण अच्छा नहीं है तो फिर हमारी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी, एंड ये लोगों को समझ में आ रहा है कोविड के वजह से। सो आई थिंक ये बदलाव आएगा, थोड़ा और लोग जागरूक होंगे और ये एक समय का सवाल है। योजना, वे आर जस्ट सोशल मीडिया रीचिंग आउट, मीडिया, एवरीबडी। योजना है, हमारा वेबसाइट है, हम कोशिश करते हैं कि हम प्लांटिंग ड्राइव्स करें, हम लोगों को वन ऑन वन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन करें। एक हमने रिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट भी लिया है जहाँ हम थोड़ा सा रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो स्लोली डेफिनेटली होगा। हमने एक छोटा सा रिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट लिया है जहाँ इंद्रायणी रिवर का बेसिन है, वो उसको हरभरा बनाने के लिए बेसिकली कहते हैं कि नदी में जो बेसिन रहता है वहाँ थोड़ी सी हरियाली डालते हैं विद अ प्लान्ड प्लांटेशन, सो दैट मोर ग्रीनरी विल फिल द बेसन विद मोर विल, बिकॉज देर मोर ट्रीज देर आर द मोर द सॉइल गेट्स पुल्ड, द मोर वाटर गेट्स पुल्ड इन टू द सॉइल, द मोर वाटर गेट्स पुल्ड इन टू द सॉइल, द मोर वी हैव रिवर्स फ्लोइंग, सो दैट्स वट वे रिकन्स्ट्रक्टिंग द बेसन, द रिवर बेसन। जी ज़रूर, आई मीन सी एस आर प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, आई मीन हम उसके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, जिस हमारा पहले आई थिंक लक्ष्य इम्पोर्टेंट है कि हमारा गोल क्या है, फिर एक अच्छी सोच होनी चाहिए। आई थिंक वो सोच के साथ पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, सोच ज़रूरी है। राइट नाउ मैं अपने एनजीओ पे फोकस कर रही हूँ और एज आई सेड मैंने लॉकडाउन में काफ़ी फिल्में की हैं, बट वो अभी तक रिलीज़ नहीं होने वाले हैं, तो जब ये रिलीज़ होंगे तो हम बात करेंगे उसके बारे में। नहीं, आई डोंट थिंक नुकसान होता है, आई थिंक आपको सिर्फ अच्छा ही मिलता है अगर आप कंपेयर होते हो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एंट्री होती है आपकी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी आपकी कंपेरिजन इतनी बड़े हस्ती से होती है कि ऑटोमेटिकली आपको वो लेवल पे देखा जाता है, तो दूसरे लोगों को तो कोशिश करनी पड़ती है कंपेयर होने के लिए। हम तो ऑलरेडी कंपेयर हो गए,